Hi students, myself Inderjit here. Today we are doing exercise 4.1. Chapter hai quadratic equations and question number 1 part number 7. Hamein yahan pe is question mein pucha gaya hai ki check whether the following are quadratic equations or not. Part number 7 mein hamein x plus 2 raised to power 3 is equal to 2x into x square minus 1 given hai. तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं. वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है इस फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट. तो लेट्स स्टार्ट इट हियर. एक्स प्लस टू रेज टू पावर थ्री, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी रेज टू पावर थ्री. a प्लस बी रेज टू पावर थ्री, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी. दिस इज आवर आइडेंटिटी. यहाँ पे हम a को x सपोज कर लेंगे, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल्स टू 2, ये सपोज कर लेंगे. तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड में देखिए, हम इसको लिखेंगे ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब टू रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस टू. इसी के साथ साथ हमें राइट हैंड साइड को भी लेना है. राइट हैंड साइड में हमें गिवन है टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो इसके लिए हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी है. ब्रैकेट्स टू एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और टू एक्स को ही माइनस वन के साथ. हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब है, इसको एज इट इज रहने देंगे. 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 8 प्लस 3 टू जा 6x इंटू एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स हैं अभी, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे. एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x साथ मल्टीप्लाई एंड 6x को 2 के साथ मल्टीप्लाई. 6x को x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x को 2 के साथ करेंगे प्लस 12x इज इक्वल्स टू 2x को x स्क्वायर के साथ तो करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा और 2x को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा. अब जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज हैं उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएंगी ये आ जाएंगी एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x. ये प्लस के 2x क्यूब यहाँ पे आ जाएंगे माइनस 2x क्यूब, माइनस के 2x इधर आके बन जाएंगे प्लस के 2x इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखिए क्यूब के वैल्यूज जो है वो कितनी है. यहाँ पे 2 वैल्यूज है, एक 1x क्यूब है प्लस के और माइनस के 2x क्यूब है. प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 1x क्यूब और साथ में अब इसके बाद स्क्वायर वाले देख लो, स्क्वायर वाला एक ही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज. अब x वाले कितने हैं यहाँ पे, प्लस के 2x हैं, प्लस के 12x हैं, प्लस के 2x हैं, तो प्लस के 14x बन जाएंगे. और कांस्टेंट देखिए आप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है 8, तो इसको एज इट इज 8 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0. अब इसके बाद देखिए ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्यूबिक फॉर्म हुई है, जबकि हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में हमें एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना होता है, लेकिन यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, क्यूब के साथ स्टार्ट हो रहा है. सो वी विल राइट हियर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इट इज अवर आंसर. We will do the next part, part number 8, next video. Till then, bye-bye.